हमारे साथ इस वक्त जावेद जुड़े हैं जो कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं और जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। 200 दिन जो है कश्मीर में आफ्टर 370 आर्टिकल जो स्क्रैप हुआ है उसके बाद 200 दिन आज पूरे हो चुके हैं, इसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। तो जावेद, किस नज़र से आप देखते हैं इन 200 दिन पूरे होने के बाद आप जो कश्मीर में हालात चल रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के हालात, जैसे कि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि यहाँ के नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है इंडिया के, उन्होंने कहा था कि जब 5 अगस्त को उन्होंने 370-35 ये आर्टिकल हटा के उन्होंने यही कहा था कि इस चीज़ से विकास नहीं हो रहा था कश्मीर पे, अब ये चीज़ें हटा के वहाँ के लोगों को विकास होगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 5 तारीख से लेकर आज तक जो 200 दिन में हम उनका विकास देख रहे हैं, तो ऐसा महसूस नहीं होता, बल्कि ये हकीकत है कि ये जो विकास का उन्होंने नारा दिया है, ये विकास सिर्फ एक ऐसा लगता है कि एक खिलौने का नाम है। जैसे कहते हैं ना कि तमन्नाओं में उलझाए गए हैं, खिलौने देख के बहलाए गए, लेकिन भला हमको वो कैसे बहला सकता है? क्योंकि आप भी समझ सकते हैं, अगर आपको ये अभी कहेगा कोई कि हम फला जगह पे यूनिवर्सिटी बना रहे एक साल में, तो आप एक साल के बाद ये उनसे पूछेंगे कि भैया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, वो तो बनी नहीं है, आपने बताया था। तो वही चीज़ें कश्मीर में है कि 200 दिन हुए हैं, बिल्कुल वही हालात है। जम्मू कश्मीर के लोग डर में जी रहे हैं, रह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है कि, और हम ये कह रहे हैं कि 370 एक कश्मीरों का एक अपना राइट था, उसको हटाने के बिना भी अगर ये लोग, ये हिंदुस्तान की संसद कभी भी ये चाहती थी कि वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट हो, उनको वो हुकूक मिले, तो उसके बगैर भी दे सकते थे। जो बाकी जो इन्होंने कहा कि इस चीज़ को हटा के हो सकता था, तो मैं ये बहस भी पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है कि जो आप 370 हटा के करने जा रहे थे या 370 होके वो नहीं हो पा रहा है, तो हम वही चीज़ तो पूछ रहे हैं उनसे, लेकिन इसका जवाब उनके पास कोई नहीं। जावेद, कई लोगों का कहना है, खास करके जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार में केंद्रित लोग हैं, कईयों का कहना है कि 370 हटने के बाद जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आतंकवाद नाम की चीज़ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उनके लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल एक अच्छा सवाल किया मुझसे कि उन्होंने कहा कि 370 हटा के हम अलगाववाद या आतंकवाद को, पहले तो ये चीज़ आपको इस हकीकत में जाना भी पड़ेगा कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये अलगाववाद और आतंकवाद है क्या, इस चीज़ को आपने कभी जाना नहीं। देखिए, ये हिंदुस्तान की वही संसद है, जब वो आतंकवाद की बात करते हैं, यानी कि मेरा मानना है कि अगर कोई इलीगली हथियार उठाता तो उसको आतंकवादी, वो कोई भी हो, लेकिन यही तो हिंदुस्तान की संसद है जिसने वहाँ पे इन्हीं बंदूक बरदार को MLA बनाया था। हम यही तो पूछ सकते हैं, पहले वो ये डिसाइड तो करे कि आतंकवाद और अलगाववाद किसको कहते हैं वो, ये मुझे आज तक उन्होंने ये उनके पास कोई जवाब नहीं। अगर जवाब होता तो हम यही उनसे पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आतंकवाद और अलगाववाद, क्या ये हकीकत नहीं कि इसी हिंदुस्तान की संसद ने वहाँ आतंकवाद जिनको वो कहते तो उनको ही MLA बनाया था रातों रात? तो यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं उनसे। जावेद, चुनौतियों की अगर बात करें हम, तो किस तरह की चुनौतियाँ जो है वहाँ के कश्मीर, जम्मू कश्मीर के आम आदमी को फेस करनी पड़ रही है 370 हटने के बाद, किस तरह की जो बेसिक चुनौतियाँ होती हैं जो हर इंसान को वहाँ पर फेस करनी ही पड़ रही है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं उसी कश्मीर से हूँ और वही रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसान को डर में रहना पड़ता है, एक डर है जो पैदा किया गया वहाँ पे, कि डर से फिर इंसान को ये डर रहता है कि कब आर्मी आए या जो भी जो लोगों ने हथियार उठाए दोनों तरफ से कब होगा, तो बाकी लोगों का उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन अब हिंदुस्तान के लोगों से गिला नहीं है, क्योंकि लोगों की इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि उनको हमारी हकीकत नहीं दिखाई जाती, लेकिन हिंदुस्तान के संसद से ये गिला और शिकवा तो ज़रूर है कि उन्होंने वो इस चीज़ को खुद पार रहे, वो चाहते हैं कि कश्मीर में ऐसा रहो, क्योंकि उनका राजनीति उसी चीज़ से चले, जैसे वो अभी कोशिश भी कर रहे हैं कि हम 8 जगहों को साउथ कश्मीर में चुनेंगे, वहाँ से 8 MLA अपने बनाएंगे, बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है अभी इस समय जो चल रहे हैं, लेकिन अब उनको लग रहा है ये आंकड़े भी फेल हो रहे हैं, इसलिए वो मतलब परेशान वो भी है कि जम्मू कश्मीर में कैसे राजनीति करेंगे, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे, लोगों को बताना पड़ेगा। फिर आपने जो कहा था जम्मू कश्मीर के बारे में, आप भी कभी ये सवाल उनसे खुद करेंगे, आपने कहा था विकास कहाँ है, विकास जो चीज़ें आपको कहाँ है वो, तो वो हकीकत नहीं है, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं आप, जो वो करके ये चाहना चाहते हैं कि मैं पूरे हिंदुस्तान को